पॉडकास्ट को स्वागत है। अपडेट में आज मैं पहुंच चुका हूं बिलासपुर के अंदर और यहां पर आज मेरी माटी मेरा देश यहां पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जिसके मुख्य अतिथि जसपाल गिल जी यहां पर अतिथि के तौर पर यहां पर पधारे। तो यहां पर जो है आज आपको पता है कि आज़ादी का पर्व जो है पूरे देश में मनाया जा रहा है और उसकी एक्टिविटी पूरे देश के अंदर जो है आप सभी देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर जो है आज़ादी का यह पर्व मनाया जा रहा है। तो उसी पर्व को जो है यहाँ पर आज ब्लॉक स्तर पर जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। तो यहाँ SDM साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं बिलासपुर ब्लॉक में 15 अगस्त को लेकर और क्या कुछ आज का प्रोग्राम रहा। तो चलिए बातचीत करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल 7X हरियाणा में। सर क्या कुछ प्रोग्राम रहा, सर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे सर इसके बारे में? सर मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत देश भर में गांव स्तर के, खंड स्तर के और जिला स्तर के कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज बिलासपुर में खंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मैं इस कार्यक्रम के भव्य और सफल आयोजन के लिए हमारे BDPO साहब और जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं ब्लॉक समिति चेयरपर्सन सुनीता जी और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पहुँचे सभी सरपंचेज और पंचेज और सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर यहाँ पर आज प्रोग्राम में जो है जो रिटायर जो है जो फौजी भाई थे यहाँ पर उनको सम्मानित किया गया, सर उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। सर इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना पैदा करना है और इसी मुहिम के तहत इस कार्यक्रम में बहुत सारी गतिविधियाँ करवाई जाती हैं। इसमें एक सोपान रहता है शिला पलकम, जिसके तहत हर गाँव में एक शिलापट लगवाया जा रहा है और जिसमें उस गाँव से संबंधित जो वीर हैं उनकी गाथाएँ लिखी जा रही हैं उस शिलापट के ऊपर। और दूसरा सोपान है जिसमें पांच तरह के प्रण लिए जा रहे हैं। इन प्रणों में हमारा जो पहला प्रण रहता है कि हम हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लें, हमारे देश की जो विरासत है इसके ऊपर गर्व की अनुभूति करें और हर प्रकार की जो गुलामी के अंश से मुक्ति महसूस करें, वे हमारे वीरों को सम्मान दें और प्रत्येक नागरिक है जो अपने कर्तव्य की भावना से संबंधित उसको शपथ दिलवाई जाती है। और इसमें एक सोपान है वसुधा वंदन, जिसके तहत हर एक गाँव में एक अमृत वाटिका का निर्माण किया जा रहा है जिसमें 75 प्रकार के विभिन्न पौधे लगवाए जा रहे हैं। और एक और इसमें सोपान रहता है हमारा वीरों का वंदन, जिसमें विभिन्न जो हमारे युद्ध हुए, हमारे जो गाँव के वीर शहीद हैं जीवित हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे डाली, उनको याद किया जाता है और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि हर एक नागरिक राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर देशभक्ति से लीन होकर देश की उन्नति और प्रगति में अपना हर संभव सहयोग दे। धन्यवाद सर। तो दर्शकों आपने देखा यहाँ पर जो है बिलासपुर ब्लॉक से जो है यहाँ पर SDM साहब जसपाल गिल जी ने अपने विचार रखे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे यहाँ पर प्रशासन जो है यहाँ पर बिलासपुर ब्लॉक से यहाँ पर पधारा और यहाँ पर पंकुश खुराना जी यहाँ पर मौजूद रहे, तमाम पंचायत यहाँ पर जो है और आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर दिन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।